प्यारे साथियों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं आप सभी लोग ठीक होंगे। फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मेडी साइंस ट्यूटोरियल में। फ्रेंड्स, आप सभी को पता होगा इस समय हम लोग एमपी ग्रुप 5 लैब टेक्नीशियन का प्रिपरेशन कर रहे हैं। ये जो एग्ज़ाम है संभवतः आपका अक्टूबर माह में व्यापम के माध्यम से कराया जाएगा। फ्रेंड्स, अगर लेक्चर की बात करें तो आज का लेक्चर हमारा 19 नंबर का है और इसमें आज हम बायोकेमिस्ट्री के एमसीक्यू को सॉल्व करने वाले हैं। इससे पहले हमारा जो लेक्चर था उसमें हमने साइटोलॉजी और हिस्टोलॉजी के एमसीक्यू को सॉल्व किया था। फ्रेंड्स, जो हमारा थंबनेल है इसमें आप देख पा रहे होंगे ऑल इंडिया लैब टेक्नीशियन एग्जाम करके लिखा होगा। इसका मतलब ये है कि हमारा जो ये लेक्चर है एमपी के साथ साथ उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार और अन्य स्टेट जहाँ पर लैब टेक्नीशियन का एग्जाम होने वाला है उसके लिए उपयोगी है। फ्रेंड्स, हमारा एक टेलीग्राम चैनल भी है जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहे हैं, वहाँ से आप उसको ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर आपको क्विज पोल मिल जाता है, वहाँ पे आपको ई बुक मिल जाता है, पीडीएफ नोट्स मिल जाता है और साथ साथ में जो भी पैरामेडिकल संबंधी नोटिफिकेशन होता है वो प्रोवाइड कर दिया जाता है। फ्रेंड्स, अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और जो भी आपके दोस्त एमपी लैब टेक्नीशियन या अन्य स्टेट के लैब टेक्नीशियन का प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको ये शेयर भी कर सकते हैं। यहाँ पर आपको थ्योरी और एमसीक्यू लेक्चर दोनों मिल जाता है। तो चलिए फ्रेंड्स, देरी ना करते हुए आते हैं अपने पहले प्रश्न पे। पहला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, हाइपर यूरेसीमिया इज ऑब्जर्व्ड इन विच कंडीशन, यानी कि आपका जो हाइपर यूरेसीमिया होता है ये किस कंडीशन में ऑब्जर्व करने को मिलता है? सिकल सेल एनीमिया, मल्टीपल माइलोमा, पॉलीसाइथेमिया या फिर ऑल ऑप्शन। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं कि हाइपर यूरेसीमिया और यूरेसीमिया होता क्या है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले अगर बात करें यूरेसीमिया की तो यूरेसीमिया का मतलब हो जाता है आपका यूरिक एसिड से। किससे हो जाता है? आपका यूरिक एसिड से होता है, ठीक है। अब इसके हम नॉर्मल रेंज की बात कर लेते हैं। तो अगर हम बात करें यूरिक एसिड के नॉर्मल रेंज की तो दो से लेकर 7 मिलीग्राम पर डीएल होता है। क्या होता है? 2 से लेकर 7 मिलीग्राम पर डीएल इसका नॉर्मल रेंज होता है। अगर इससे अगर यूरिक एसिड आपका ज़्यादा हो जाता है तो इसको क्या कहते हैं? हाइपर यूरेसीमिया कहते हैं। और अगर इस वैल्यू से आपका जो यूरिक एसिड है कम हो जाता है तो उसको हम क्या कहते हैं? हाइपो यूरेसीमिया कहते हैं, ठीक है। तो ये दो टर्म आपके हो जाते हैं, हाइपर यूरेसीमिया और हाइपो यूरेसीमिया, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर पूछा है कि हाइपर यूरेसीमिया किस कंडीशन में देखने को मिलता है? तो जो आपका ऑप्शन है सिकल सेल एनीमिया, मल्टीपल माइलोमा, पॉलीसाइथेमिया और ऑल ऑप्शन, तो इसका सही आंसर जाएगा आपका यहाँ पर डी वाला ऑल ऑप्शन, ठीक है। फ्रेंड्स, यहाँ पर एक बात और बता दें कि आपका जो यूरिक एसिड होता है इसको अगर आप डिटरमिनेशन करना चाहते हैं तो हेनरी एंड कैरीबे मेथड के द्वारा कर सकते हैं। किसके द्वारा? हेनरी और कैरीबे, ठीक है, या फिर कैरीबे जो कहते हैं, इसी मेथड के द्वारा आप इसको क्या कर सकते हैं? एस्टीमेट कर सकते हैं। तो आपके एग्जाम में कभी कभी पूछता है कि आपका जो यूरिक एसिड होता है इसको किस मेथड के द्वारा एस्टीमेट करते हैं, तो हेनरी एंड कैरीबे मेथड से कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर अगर बात करें यूरिक एसिड के अलावा यहाँ पर यूरिया का, ठीक है, किसका? यूरिया का। तो यूरिया का जो नॉर्मल रेंज होता है यहाँ पर कितना होता है? 15 से 50 मिलीग्राम पर डीएल। कितना? 15 से 50 मिलीग्राम पर डीएल, ठीक है। और अगर इसके हम मेथड की बात करें तो किसके द्वारा? डाइएसिटाइल मोनोजाइम के द्वारा इसको करते हैं। किसके द्वारा? डाइएसिटाइल मोनोजाइम के द्वारा इसको कर सकते हैं, ठीक है। इसका एस्टीमेशन इस मेथड के द्वारा कर सकते हैं, डाइएसिटाइल मोनोजाइम मेथड के द्वारा इसका एस्टीमेशन कर सकते हैं। किसका एस्टीमेशन? आपका यहाँ पे हो जाएगा यूरिया का एस्टीमेशन, ठीक है। नॉर्मल रेंज आपको पता चलेगा यूरिया का 15 से 50 मिलीग्राम पर डीएल होता है, ठीक है। बट क्वेश्चन आपका यूरेसीमिया पूछा था, ठीक है, यूरिया नहीं पूछा था, ठीक है। यहाँ पे क्या पूछा था? यूरेमिया पूछा था, मतलब कि यूरिक एसिड से हो जाता है। और अगर यहाँ पे पूछता यूरेमिया, ठीक है, यूरेमिया, तो ये किससे हो जाता है? आपका यूरिया से हो जाता है, ठीक है। ये बात को यहाँ पे ध्यान रखिएगा, इसीलिए हमने बता दिया यूरिया और यूरिक एसिड के बारे में, ठीक। चलिए फ्रेंड्स, आते हैं यहाँ पे अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा कह रहा है कि बाइल इज सिक्रेटेड बाय व्हिच ऑर्गन, यानी कि आपका जो बाइल जूस होता है ये किस ऑर्गन के द्वारा सिक्रेट किया जाता है, या इसको कह सकते हैं किस ऑर्गन के द्वारा इसका फॉर्मेशन होता है। जो आपका ऑप्शन दिया हुआ है, गाल लीवर दिया है, गाल ब्लैडर दिया हुआ है, पैनक्रिया दिया हुआ है और स्मॉल इंटेस्टाइन दिया हुआ है। तो इसका जो सही आंसर जाएगा आपका यहाँ पे लीवर जाएगा। जो आपका बाइल होता है इसका फॉर्मेशन कहाँ पे होता है? आपके लीवर में होता है। और ये स्टोर कहाँ पे होता है? तो स्टोर की बात करें यहाँ पे तो ये आपका कहाँ पे होता है? गाल ब्लेडर में होता है। कहाँ पे होता है? गाल ब्लेडर में होता है, ठीक है। और किसके द्वारा जाता है? तो बाइल डक्ट जो होता है इसके द्वारा ये भेजा जाता है लीवर से गाल ब्लेडर में। किसके द्वारा? बाइल डक्ट के द्वारा, ठीक। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा तीनों बातें, ठीक। चलिए फ्रेंड्स, आते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा कह रहा है कि बाइल इज स्टोर्ड एंड कन्वर्ट टू कंसंट्रेटेड फॉर्म बाई, यानी कि आपका जो बाइल है ये कहाँ पे स्टोर रहता है और कन्वर्ट हो जाता है अपने कंसंट्रेशन के अनुसार। तो ऑप्शन जो आपका दिया हुआ है लीवर है, गाल ब्लेडर है, पैनक्रियाज है और लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है। तो आपका जो पहले जो ऑप्शन था उसमें केवल एक बदला हुआ है, वहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन था, यहाँ पे लार्ज इंटेस्टाइन कर दिया गया है। बट आपका जो बाइल स्टोर होता है आपको पता होगा यहाँ पे गाल ब्लेडर में होता है, क्योंकि अभी हमने बताया इसको, ठीक। चलिए फ्रेंड्स, आते हैं अपने अगले प्रश्न पे।
अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा कह रहा है कि बाइल इज एसेंशियल फॉर एडिक्वेट रीअब्जॉर्प्शन ऑफ, यानी कि आपका जो बाइल होता है ये एसेंशियल होता है आपके रीअब्जॉर्प्शन में, ठीक है। किसके किसके रीअब्जॉर्प्शन में ये एसेंशियल होता है, तो ऑप्शन जो आपका दिया हुआ है फैट, विटामिन के, बोथ ए एंड बी, एंड डी आपका जो ऑप्शन दिया है एंजाइम दिया हुआ है। तो इसका जो सही आंसर जाएगा आपका सी, यानी कि आपका जो बाइल होता है आपके फैट और विटामिन के दोनों को क्या करता है, रीअब्जॉर्ब करता है, ठीक है। फ्रेंड्स आते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा कह रहा है कि रिडक्शन ऑफ बाइल बाय बैक्टीरिया प्रोड्यूसेस, यानी कि आपका जो बाइल है अगर इसका रिडक्शन हो रहा है बाय बैक्टीरिया के द्वारा तो यहाँ पे क्या प्रोड्यूस किया जाएगा। ऑप्शन जो आपका दिया हुआ है बाइल साल्ट दिया हुआ है, यूरोबिलिनोजन दिया हुआ है, स्टेरोबिलिनोजन दिया हुआ है और नॉन ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे समझ लीजिए जो आपका बाइल होता है अगर आपके इसका रिडक्शन हो रहा है बाय बैक्टीरिया के द्वारा तो यहाँ पे आपका बाइल साल्ट का प्रोड्यूस होता है या फिर बाइल साल्ट का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका ए वाला सही जाएगा, ठीक है, बाइल साल्ट, ठीक है, यानी कि रिडक्शन ऑफ बाइल बैक्टीरिया प्रोड्यूस बाइल साल्ट, ठीक। चलिए फ्रेंड्स आते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा कह रहा है कि बिलरुबिन इज फॉर्म फ्रॉम द ब्रेकडाउन ऑफ हीमोग्लोबिन इन द सेल ऑफ, यानी कि कह रहा है कि जो बिलरुबिन है इसका फॉर्मेशन होता है आपके हीमोग्लोबिन के ब्रेकडाउन के बाद, तो ये कहाँ पे रहता है, ठीक है, कहाँ पे इसका जो ब्रेकडाउन होता है कहाँ कहाँ पे होता है, ठीक है। तो ऑप्शन जो आपका दिया है लीवर, स्प्लीन और बोन मैरो, तो इसका जो सही आंसर जाएगा आपका यहाँ पे डी वाला। बहुत लोग यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते होंगे बोन मैरो, बट यहाँ पे दिया हुआ जो आंसर वो आपका ऑल ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है। अगर इसको सही मायने में देखें तो आपका जो इंडोथीलियल सेल होते हैं, ठीक है, इंडोथीलियल सेल होते हैं यहीं पर आपके हीमोग्लोबिन क्या होते हैं, ब्रेकडाउन होते हैं, ठीक। चलिए फ्रेंड्स आते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा कह रहा है कि बिलरुबिन विच इन इनसॉल्वबल इन वाटर, तो अच्छा क्वेश्चन है ये, कह रहा है कि कौन सा जो बिलरुबिन होता है ये इनसॉल्वबल इन वाटर होता है, यानी कि जो आपके पानी होता है इसमें ये घुलते नहीं हैं, इनसॉल्वबल होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं सबसे पहले बिलरुबिन के बारे में, तो बिलरुबिन के बारे में आपको पता चल गया होगा कि आपका जो हीमोग्लोबिन है उसके ब्रेकडाउन से ये बनता है, ठीक है, बिलरुबिन, ठीक। तो अगर इसके फॉर्म की बात करें तो ये टू फॉर्म में रहता है, एक आपका होता है डायरेक्ट, एक होता है आपके इनडायरेक्ट, ठीक है। किसमें होता है, एक होता है डायरेक्ट, एक होता है आपका यहाँ पे इनडायरेक्ट, ठीक है। अगर यहाँ पे डायरेक्ट की बात करें, ठीक है, तो डायरेक्ट को कौन सा बिलरुबिन कहते हैं, इसको कंजुगेटेड बिलरुबिन भी कहते हैं, ठीक है, क्या कहते हैं, कंजुगेटेड बिलरुबिन कहते हैं। और अगर इनडायरेक्ट की बात करें तो इसको क्या कहते हैं, अनकंजुगेटेड बिलरुबिन कहते हैं, ठीक। तो जो लीवर से पहुंचने से पहले जो भी आपका बिलरुबिन होता है, ठीक है, उसको क्या कौन सा बिलरुबिन रहेगा आपका, इनडायरेक्ट बिलरुबिन रहेगा, ठीक है। और अगर वो लीवर में पहुँच जाता है तो क्या कहलाएगा आपका, डायरेक्ट बिलरुबिन में बदल जाता है, ठीक। चलिए फ्रेंड्स आते हैं अपने यहाँ पे जो प्रश्न था, प्रश्न हमारे यहाँ ही कह रहा था कि आपका जो बिलरुबिन व्हिच इज इनसॉल्वबल इन वाटर, तो हमने बिलरुबिन के बारे में बता दिया। अब ये कह रहा है कि कौन सा बिलरुबिन है जो कि वाटर में इनसॉल्वबल है, ठीक है। जो ऑप्शन आपका दिया है अनकंजुगेटेड बिलरुबिन, डायरेक्ट बिलरुबिन, अनकंजुगेटेड बिलरुबिन या फिर यूरोबिलिनोजन, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर जाएगा आपका अनकंजुगेटेड बिलरुबिन, क्या जाएगा, अनकंजुगेटेड बिलरुबिन। अगर इसके दूसरे नाम की बात करें तो क्या हो जाएगा आपका, इनडायरेक्ट बिलरुबिन, क्या हो जाएगा, इनडायरेक्ट बिलरुबिन, ठीक। और अगर यूरोबिलिनोजन की बात करें तो आपके क्या होता है, फीसेस के द्वारा सिक्रीट होता है, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स आते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न यहाँ पे कह रहा है कि व्हिच बिलरुबिन इज वाटर सॉल्युबल, तो दूसरा प्रश्न यहाँ पे आ गया है कि कौन सा बिलरुबिन आपके वाटर सॉल्युबल होता है, ठीक है। तो अनकंजुगेटेड बिलरुबिन, कंजुगेटेड बिलरुबिन, इनडायरेक्ट बिलरुबिन और स्टेरोबिलिनोजन, ठीक है, स्टेरोबिलिनोजन। तो जिसको जो सही आंसर होगा फ्रेंड्स, ये आपका यहाँ पे पूछा गया है वाटर सॉल्युबल, ठीक है। तो जो वाटर सॉल्युबल होते हैं वो आपके कंजुगेटेड बिलरुबिन होते हैं, ठीक है, ठीक उसका उल्टा, अनकंजुगेटेड आपका क्या रहता है, इनसॉल्युबल रहता है। तो जो आपका कंजुगेटेड होगा वो क्या रहेगा, वाटर सॉल्युबल रहेगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जाएगा कंजुगेटेड बिलरुबिन, दूसरा नाम इसका क्या हो जाएगा, डायरेक्ट बिलरुबिन, क्या हो जाएगा, डायरेक्ट बिलरुबिन, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स आते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि इन व्हिच कंडीशन देयर इज ए रेज्ड लेवल ऑफ बिलरुबिन इन पेशेंट बॉडी एंड देयर इज येलो कलराइजेशन ऑफ द आई एंड सम पार्ट ऑफ स्किन, यानी कि ये कह रहा है कि ये कौन सा कंडीशन होगा जिसमें जो पेशेंट है इसमें बिलरुबिन लेवल बढ़ा हुआ है, ठीक है, और इसका जो आई है ये पीला पड़ गया है और बॉडी का कुछ और पार्ट भी है जो पीला पड़ गया है, तो ये कौन सा कंडीशन हो सकता है। ऑप्शन जो हमारा दिया हुआ है, यूरेमिया दिया हुआ है, इक्टेरस दिया हुआ है, एनीमिया दिया हुआ है और आपका एजोटीमिया दिया हुआ है। तो इसका जो सही आंसर जाएगा आपका इक्टेरस जाएगा। जो आपका पीलिया होता है, पीलिया के एक फॉर्म को हम इक्टेरस कहते हैं, यानी कि दूसरा नाम क्या होता है आपका, इक्टेरस होता है, ठीक है। तो अगर बिलरुबिन लेवल बढ़ा हुआ है, आंखें जो है पीली पड़ गई हैं और बॉडी के कुछ और पार्ट पीले पड़ गए हैं, तो इसको हम क्या कहेंगे, पीलिया कहेंगे, यानी इसको हम इक्टेरस कहते हैं, ठीक है।
और अगर हम बात करें एनीमिया की, तो आप सभी को पता होगा कि लो लेवल ऑफ ब्लड, या फिर ये कह सकते हैं कि लो लेवल ऑफ हीमोग्लोबिन, लो लेवल ऑफ आरबीसी, या फिर जो आपका ऑक्सीजन की कैपेसिटी होती है बाइंडिंग की, वो कम हो जाए, ठीक है, तो इसको हम एनीमिया कहते हैं। अगर हम यूरेमिया की बात करें फ्रेंड्स, तो यूरेमिया का मतलब होता है कि जो आपका यूरिया लेवल होता है बॉडी में, ये बढ़ गया होता है, सीरम यूरिया जो होता है ये बढ़ गया होता है, तो उसको हम यूरेमिया कहते हैं। और आपका जो एजोटीमिया होता है, यूरिया के साथ साथ कुछ और जो आपके नाइट्रोजन और वेस्ट होते हैं वो बढ़ जाते हैं, तो उसको हम एजोटीमिया कहते हैं। इसको आप बन के रूप में भी देख सकते हैं, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स, आते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न हमारा इस साइड में लिखा हुआ है, ये कह रहा है कि इन विच टाइप ऑफ जॉइंटिस बिलरुबिन इज नॉट एक्सक्रीटेड ड्यू टू द ऑब्स्ट्रक्शन इन द बाइल डक्ट आइदर बाइल स्टोन और बाई ए ट्यूमर। यानी ये कह रहा है कि आपका जो जॉइंटिस है, एक प्रकार का जॉइंटिस है जिसमें आपका जो बिलरुबिन है ये नॉट एक्सक्रीटेड हो रहा है ड्यू टू, यानी कि आपका जो बाइल डक्ट है, जो आपका रास्ता है जहाँ से आपका लीवर से आपके गाल स्टोन में आपका जो बाइल है ये पहुंचता है, ये क्या हुआ है, ये गड़बड़ी हो गया है, किसके कारण, आपका जो गाल स्टोन हो गया है उसमें, ठीक है, या फिर आपका ट्यूमर हो गया है, ठीक है। तो इसमें कौन सा यहाँ पे जॉइंटिस हो सकता है, प्री हिपेटिक जॉइंटिस, हिपेटिक जॉइंटिस, पोस्ट हिपेटिक जॉइंटिस और नन ऑप्शन। तो इसका जो सही आंसर जाएगा आपका यहाँ पे सी वाला, पोस्ट हिपेटिक जॉइंटिस, ठीक है। तो आपके जो जॉइंटिस होते हैं ये तीन प्रकार के होते हैं, प्री हिपेटिक, हिपेटिक और आपके पोस्ट हिपेटिक, ठीक है। अगर लीवर से पहुँचने से पहले अगर वो जॉइंटिस है तो इसको क्या कहते हैं, प्री हिपेटिक जॉइंटिस कहते हैं, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स, आते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न हमारा यहाँ पे कह रहा है कि व्हाट इज द नॉर्मल सीरम टोटल बिलरुबिन लेवल इन द बॉडी। यानी कि आपका जो नॉर्मल बिलरुबिन होता है, टोटल बिलरुबिन, ठीक है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, नॉर्मल सीरम टोटल बिलरुबिन जो होता है इसका लेवल क्या होता है। तो आप सभी को पता होगा जो आपका बिलरुबिन है इसको हम तीन फॉर्म में नापते हैं, ठीक है, एक आपका हो जाता है टोटल बिलरुबिन, एक आपका हो जाता है इनडायरेक्ट बिलरुबिन, एक आपका हो जाता है डायरेक्ट बिलरुबिन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या पूछा गया है, टोटल बिलरुबिन पूछा गया है। तो जो ऑप्शन हमारे हैं 0.2 से 1.0 मिलीग्राम पर डीएल, 0 से 0.2 मिलीग्राम पर डीएल, 0.5 से 3.4 मिलीग्राम पर डीएल, या फिर 3.5 से 5 मिलीग्राम पर डीएल, ठीक है। तो आपका जो सही आंसर जाएगा 0.2 से 1.0 मिलीग्राम पर डीएल, ठीक है, यानी कि 0.2 से 1 मिलीग्राम पर डीएल के बीच में आपका टोटल बिलरुबिन नापा जाता है, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स, आते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि इन प्री हिपेटिक जॉइंटिस कॉन्जुगेटेड बिलरुबिन लेवल इन द सीरम इज, यानी कि अगर आपको यहाँ पे प्री हिपेटिक जॉइंटिस हो गया है तो इसमें आपका जो कॉन्जुगेटेड बिलरुबिन लेवल होगा ये क्या रहेगा, इंक्रीज रहेगा, नॉर्मल रहेगा, बोथ ए बी या फिर नॉन ऑप्शन। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने पहले ही बताया कि अगर लीवर में पहुंचने से पहले आपको जॉइंटिस है तो आपका प्री हिपेटिक जॉइंटिस कहलाता है, यानी कि हिपेटिक, यानी कि लीवर से पहुंचने वाले से पहले वाला जो जॉइंटिस है वो आपका प्री हिपेटिक जॉइंटिस कहलाता है। और इसमें अगर कॉन्जुगेटेड के बिलरुबिन की बात करें तो आपका जो कॉन्जुगेटेड बिलरुबिन होता है, हमने बताया था कि ये लीवर में पहुँचने के बाद यहाँ पर इसका फॉर्मेशन समझिए कि होता है, ठीक है, कॉम्बिनेशन से जो भी होता है। आप अगर हीमोग्लोबिन का जो ब्रेकडाउन होता है वो वाला लेक्चर लेंगे तो वहाँ पर आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो अगर आपका यहाँ पर जो प्री हिपेटिक जॉइंटिस है, ठीक है, इसमें अगर कॉन्जुगेटेड बिलरुबिन की बात करें तो यहाँ पे कॉन्जुगेटेड बिलरुबिन का कोई रोल नहीं रहता है, इसीलिए आपका ये क्या रहेगा, नॉर्मल रहेगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सही जाएगा। यहाँ पे अगर डिस्टर्बेंस होगा तो किसमें होगा, अनकॉन्जुगेटेड बिलरुबिन में इसका डिस्टर्बेंस होगा, यानी कि आपका इनडायरेक्ट बिलरुबिन में आपका डिस्टर्बेंस होगा, ठीक है। चलिए भी आगे और बताते हैं कि कहाँ कहाँ पर दोनों का डिस्टर्बेंस हो सकता है, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे, इन ह्यूज कंडीशन कॉन्जुगेटेड बिलरुबिन लेवल इन सीरम इज डिक्रीज। एक बार फिर से प्रश्न को पढ़ते हैं, इन व्हिच कंडीशन कॉन्जुगेटेड बिलरुबिन लेवल इन सीरम इज डिक्रीज, यानी कि किस कंडीशन में आपका जो कॉन्जुगेटेड बिलरुबिन होगा उसका जो लेवल है वो क्या होगा, डिक्रीज होगा आपके सीरम में, ठीक है। गिल्बर डिजीज, ठीक है, क्रिगलर नेजर्ड सिंड्रोम, प्री हिपेटिक जॉइंटिस और आपका यहाँ पे नॉन ऑप्शन। तो इसका जो सही आंसर जाएगा आपका बी वाला सही जाएगा, नेजर सिंड्रोम वाला, ठीक है। नेजर सिंड्रोम के केस में आपका जो कॉन्जुगेटेड बिलरुबिन होता है ये क्या रहता है, डिक्रीज रहता है, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स, आते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा कह रहा है कि इन नॉर्मल कंडीशन कॉन्जुगेटेड बिलरुबिन लेवल इन सीरम इज, यानी कि आपका जो कौन सा नॉर्मल कंडीशन है जिसमें आपका जो कॉन्जुगेटेड बिलरुबिन लेवल है वो क्या रहता है, नॉर्मल रहता है। तो फ्रेंड्स, हमने आपको बताया कि आपका जो बिलरुबिन होता है इसको नापने के लिए हम तीन प्रकार लेते हैं, ठीक है, एक आपका टोटल बिलरुबिन हो जाता है, एक आपका यहाँ पे इनडायरेक्ट वाला बिलरुबिन हो जाता है और दूसरा आपका क्या हो जाता है, डायरेक्ट वाला, ठीक है। अगर इनडायरेक्ट की बात करें तो अनकॉन्जुगेटेड बिलरुबिन और डायरेक्ट की बात करें आपको तो कॉन्जुगेटेड बिलरुबिन, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, जो क्वेश्चन है आपको यहाँ पे पूछा गया है कि कॉन्जुगेटेड बिलरुबिन का नॉर्मल लेवल क्या होता है आपके सीरम में, तो जो ऑप्शन आपका दिया है 0 से 0.2 मिलीग्राम पर डीएल, 0.3 से
1.2 मिलीग्राम पर डीएल, 0.4 से 2.3 मिलीग्राम पर डीएल, ठीक है, 0.5 से 3.2 मिलीग्राम पर डीएल, ठीक है। तो हमने हिंदी इंग्लिश दोनों बता दिया है, ठीक है, कुछ को इंग्लिश में यूज किया, कुछ को हिंदी में, चलिए बाय डिफॉल्ट हो जाता है। तो इसका जो सही आंसर जाएगा आपका ए वाला जाएगा, ठीक है, 0 से 2.0 मिलीग्राम पर डीएल, ठीक है, यानी कि आपका जो कॉन्जुगेटेड बिलरुबिन होता है इसका नॉर्मल लेवल क्या होता है, 0 से लेकर 0.2 मिलीग्राम पर डीएल। और ये क्वेश्चन जितने भी आपके नॉर्मल लेवल से हैं, ठीक है, चाहे आपका यूरिया हो, ठीक है, चाहे आपका यहाँ पे यूरिक एसिड हो, चाहे आपका बिलरुबिन हो, हर बार एग्जाम में आपके पूछे जाते हैं, जहाँ तक कि आपके क्रिएटिनिन का कई बार पूछा गया है, ठीक। साथ में अपने अगले प्रश्न पे, अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि इन व्हिच कंडीशन यूरोबिलिनोजन लेवल इन यूरिन इज इंक्रीज, यानी कि कौन सा कंडीशन है जिसमें आपका जो यूरोबिलिनोजन है ये क्या होता है, इंक्रीज रहता है आपके यूरिन में, ठीक है। तो समझिए, आपका जो यूरोबिलिनोजन होता है, ठीक है, ये कम निकलता है आपके यूरिन में, ठीक है, और वो आपका जो स्टोरोबिलिनोजन होता है ये आपके फीसेस में कम निकलता है, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ को ध्यान रखिएगा, तो फीसेस में और आपके यूरिन में जो यूरोबिलिनोजन और स्टोरोबिलिनोजन है ये निकलने के कारण, यहाँ पे ऑप्शन देख लीजिए, इन नॉर्मल कंडीशन, इन प्री हिपेटिक जॉइंटिस, इन हिपेटिक जॉइंटिस, इन पोस्ट हिपेटिक जॉइंटिस। तो इसका सही आंसर जाएगा आपका इन प्री हिपेटिक जॉइंटिस, यानी कि आपका जो प्री हिपेटिक जॉइंटिस होता है इसमें यूरोबिलिनोजन आपके यूरिन से और स्टोरोबिलिनोजन आपके फीसेस से निकलेंगे, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स, आते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा कह रहा है कि इन विच कंडीशन कॉन्जुगेटेड बिलरुबिन लेवल रिमेन नॉर्मल, यानी कि किन कंडीशन में आपका जो कॉन्जुगेटेड बिलरुबिन होता है ये क्या रहता है, नॉर्मल रहता है। तो ठीक है, तो आपका प्री हिपेटिक जॉइंटिस, हिपेटिक जॉइंटिस बोथ ए एंड बी, और पोस्ट हिपेटिक जॉइंटिस। तो इसका जो सही आंसर जाएगा आपका यहाँ पे जाएगा प्री हिपेटिक जॉइंटिस, ठीक है। आपके प्री हिपेटिक जॉइंटिस में आपका जो कॉन्जुगेटेड बिलरुबिन है ये क्या रहेगा, ये नॉर्मल रहेगा। अगर इसके इंक्रीज की बात करें तो आपका यहाँ पे रहेगा अनकॉन्जुगेटेड बिलरुबिन, ठीक है। प्री हिपेटिक जॉइंटिस में आपका अनकॉन्जुगेटेड बिलरुबिन क्या रहेगा, इंक्रीज रहेगा, ठीक है। अगर हिपेटिक जॉइंटिस की बात करें तो हिपेटिक जॉइंटिस में आपका कॉन्जुगेटेड बिलरुबिन क्या रहेगा, इंक्रीज रहेगा। और अगर यहाँ पे बात करें पोस्ट हिपेटिक जॉइंटिस में, तो यहाँ पे आपका जो यूरोबिलिनोजन है, सॉरी, जो आपका अनकॉन्जुगेटेड बिलरुबिन है और आपका कॉन्जुगेटेड बिलरुबिन है, ठीक है, ये दोनों क्या रहेगा, इंक्रीज रहेगा, ठीक है। आपका इनडायरेक्ट और डायरेक्ट दोनों यहाँ पे क्या रहेगा, इंक्रीज रहेगा, अगर आप इस तरह कहना चाहें तो ये भी कह सकते हैं, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स, आते हैं अपने अगले प्रश्न पे और लास्ट प्रश्न पे। ये कह रहा है कि व्हिच मेथड इज यूज टू डिटर्मिनेशन बिलरुबिन इन द सीरम, यानी कि कौन सा मेथड है जिसके द्वारा हम बिलरुबिन सीरम को क्या कर सकते हैं, डिटरमाइन कर सकते हैं या इसका मात्रा का पता लगा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपका जो UPNHM था इसके वाले एग्जाम में आपका ये पूछा गया था कि आपका जो बिलरुबिन है इसको हम किस मेथड के द्वारा कर सकते हैं, और आपका एक और आया था क्रिएटिनिन को हम किस मेथड के द्वारा कर सकते हैं। तो इसका जो सही आंसर जाएगा आपका वन डे वर्क डायजो रिएक्शन के द्वारा हम बिलरुबिन का डिटर्मिनेशन कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, जितने भी क्वेश्चन थे हमने यहाँ पे सॉल्व कर लिए हैं। आपको ये लेक्चर कैसा लगा है कृपया लाइक करके बताएं। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं, इसका रिप्लाई हम जरूर करेंगे। और अगर हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो उससे जुड़ जाइए, लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहे हैं। चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जब तक आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तब तक आपको कुछ अच्छी चीज़ें सीखने को नहीं मिलेंगी। चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू।